दुनिया भर में खुद को इस्लाम का संरक्षक कहने वाले सऊदी अरब ने कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। बैन लगाते हुए सऊदी अरब ने कहा कि तबलीगी जमात और कुछ नहीं बल्कि आतंकवाद में एंट्री करने का गेटवे है। यानी वहां की सरकार का कहना है कि तबलीगी जमात के जरिए लोग आतंकवाद की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। सऊदी प्रशासन ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार करार दिया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला आतिफ अल शेख ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। सरकार ने वहां के मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया है कि वो शुक्रवार को नमाज के लिए आने वाले लोगों को तबलीगी जमात की असलियत के बारे में बताएं और इसमें शामिल होने से तबलीगी जमात के लोगों को रोका जाए। सऊदी अरब के इस फैसले पर इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। मोहतमीम मुफ्ती मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस गलत फैसले से दूर रहना चाहिए और जमात पर से बैन हटा देना चाहिए। इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। दारुल उलूम देवबंद के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सऊदी अरब के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी का कहना है कि तबलीगी जमात अपनी स्थापना के पहले दिन से ही मुसलमानों को मस्जिदों से जोड़ने का काम कर रही है। इसका फैलाव लगभग पूरी दुनिया में है। जमात और इससे जुड़े लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको बता दें, तबलीगी जमात को सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन या समूह बताया जाता है। तबलीगी जमात की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले देवबंदी इस्लामी विद्वान मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में की थी। तबलीगी जमात का काम खासकर इस्लाम को मानने वालों को धार्मिक उपदेश देना होता है। पूरी तरह से गैर राजनीतिक इस जमात का मकसद पैगंबर मोहम्मद के बताए गए इस्लाम के 5 बुनियादी सिद्धांतों का प्रचार करना होता है। भारत में यह संगठन 1926 में अस्तित्व में आया। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। तबलीगी जमात से जुड़े लोग मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वहाँ के लोगों को दीन की राह पर चलने के लिए कहते हैं। आसान शब्दों में इसे समझें तो संगठन के लोग मुस्लिम पुरुषों को पठानी सलवार पहनने, मूंछ साफ करने और दाढ़ी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने और महिलाओं को बुर्का या पर्दा करवाने पर भी उनका खास जोर रहता है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।